मैं बाहर आके बोलिया कि शूट ना करियो, मैं पेश करा देनी, मैं सामने लिया देनी हूँ उन्हें। मैं मेरे एक कमांडो ने आके मैंने बोलिया कि चलो लैके आओ, मैं हाथ फड़ के बाँह फड़ के उन्हें मैं खुद लैके आई हाँ बाहर। कोई उन्हें भजन की कोशिश नहीं की, कितने भी नहीं हो गया। जो वो कोशिश करता तो वह अपनी जान तो जाना सी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला दे कतलकांड मामले दे विच तीसरे मॉड्यूल दा हिस्सा रहे दो गैंगस्टर तूफान अते रैया नूं पुलिस ने वख-वख थामां तों गिरफ्तार कर लिया है। मनप्रीत रैया दी पत्नी दा बयान सामने आया। दस दिए कि मनप्रीत रैया नूं राजासांसी दे इक घर तों छापा मार के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मौके पहली बार गैंगस्टर मनप्रीत रैया दी पत्नी मीडिया दे सामने आई है ते उसने गल कबूली है कि उसने ही अपने पति नूं पुलिस दे हवाले किया। मनप्रीत रैया की पत्नी ने मीडिया के नाल गलबात के दौरान दस्या कि उसके पति नजायज़ फसाया जा रहा। सवेरे तड़कसार अनाउंसमेंट हुई कि तुहानू चारों पासे तो घेरा पा लिया गया, जिस तों बाद वो बाहर निकली। उसने देखा कि पुलिस घर के बाहर मौजूद सी। उसने पुलिस के अगे ये गल आखी कि वह अपने पति पुलिस के हवाले कर देगी, पुलिस गोली ना चलावे, जिस तों बाद उसने खुद बांह तो फड़ के अपने पति पुलिस के हवाले किया। जो पूछा गया कि जेकर तुहाड़ा पति बेकसूर है तो भज क्यों रहा है, तो उसके गैंगस्टर मनप्रीत रैया की पत्नी ने कहा कि सच साबित करना कई बार औखा हो जाता है। मॉर्निंग सर अं 4:30 बजे जो सुते थे, ठीक है, सानू अनाउंसमेंट की आवाज़ आएगी, घेरा पै गया, तुम चारे पास घेर लिया गया है, ठीक है, तो तुम है ना बाहर आ जाओ, ठीक है। तो उस टाइम बार मैं उस टाइम बाहर आई हाँ, मैं बाहर मैं देखा चारे पासे नैट लगी हुई डोर नू, है ना, मैं बाहर देखा कि घेरा पिया हो। मैं बाहर निकल के मैं मनी रैया नू बोलिया कि रुको एक मिनट, मैं बाहर जानी हाँ। मैं बाहर आई, मैं बाहर आके बोलिया कि शूट ना करियो, मैं पेश करा देनी, मैं सामने लिया देनी हाँ उन्हें। मैं मेरे एक कमांडो ने आके मैंने बोलिया कि चलो लैके आओ, मैं हाथ फड़ के बाँह फड़ के उन्होंने मैं खुद लैके आई हाँ बाहर। कोई उन्हें भजन की कोशिश नहीं की, कितने भी नहीं हो गया। जो वो कोशिश करता तो वह अपनी जान तो जाना। किन्ने दिन इतने रुके हुए? 4 दिन। सो जो लुड़िंदा सी राणा कंदोवालिया के कतल मामले के मनू रैया जो लुड़िंदा से हूँ सिद्धू मूसेवाले के, फिर इन्नी देर से भजदा क्यों रहा, आखिर की वजह रही है? सर हर इंसान को डर होंगे, ठीक है ना, जदों झूठियां गल्लां या झूठियां है ना इल्ज़ाम लगते हैं, है ना, क्योंकि झूठ सच साबित करना बहुत औखा आ। असी जो तो सच साबित करना हों ना, झूठ असी बोली जावे वो सब वो लोगों ने साबित कर देना, उन्होंने चढ़ा देना, पर जो अं सच बोलते हैं ना लोग उन्होंने नहीं चढ़ाते, सच में दबिया जाता वा, ठीक है। तो राणा कंदोवाली के केस भी वह मेरे नाल सी, ठीक है, जो सिद्धू मूसेवाले की डैथ हुई उस तो भी 2 दिन पहला वो मेरे नाल सीगा, कितने भी नहीं गया वो, कोई भी नहीं वो जेड़ा जो भी कोई कह रहा है, है ना। पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करती है, उन्होंने भी पता केड़ा बंदा सही है केड़ा गलत आ, तुसी समझते हो, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस नू भी पता वा कि केड़ा बंदा सही है केड़ा गलत आ, सारा कुछ बंदे दे इंप्रेशन तो पता लग जाता वा कि किदां दा वा, है ना, सच बोल रहा झूठ बोल रहा, है ना, तो ही भी समझदार। जिहड़ा राणा कंदोवालिया दे जो कतल होया सी तुसीं कहा कि सीसीटीवी नाल आया ते तुहाडे कोल हैगी ते की पुलिस नूं दिखाउण दी कोशिश नहीं कीती? सर मेरे को सीसीटीवी हैगे पर फोन मेरे सारे पुलिस लै गए, मेरे पापा दा मेरा सारे लै गए ने। हुण की इंसाफ दी मंग करदे? मैं इंसाफ दी मंग यही करदी हां कि उहदे नाल भी कुछ गलत ना होवे, मेरे नाल, मेरी बच्ची नाल, मेरे परिवार नाल। मेरे मम्मा पापा नूं इस चीज़ बारे कोई नहीं सी, कुछ भी नहीं सी पता, जिथे मैं रह रही हाँ उन्हां नूं भी कुछ नहीं सी पता कि मेरे नाल गल हुंदी आ या नहीं हुंदी या कितना वा, ठीक है, ये सारा कुछ मैनू ही पता हैगा, मैं ही इस सारी चीज़ की मैनू ही नॉलेज हैगी। दस दिए कि इस तों पहला तूफान के पिता साबका फौजी हरभजन सिंह हुणां दा भी बयान सामने आया सी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तारी तो कर रही है पर पुलिस हाले शो नहीं कर रही, तो सानू एनकाउंटर होने का डर है, जिस तों बाद DGP पंजाब गौरव यादव हुणां दे वल्लों ट्वीट पाया गया। तो ट्वीट पा के पोस्ट लिखी गई कि दोवां गैंगस्टरां नूं एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के वल्लों गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतसर तो पत्रकार हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट, हमदर्द TV।